यह देश नफरत के खिलाफ है, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने के पक्ष में। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था और इस दावते इफ्तार में तमाम महागठबंधन के जितने भी नेता थे वो शिरकत किए। इसके अतिरिक्त जो पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही साथ पप्पू यादव जो कि जाप के संरक्षक हैं, लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव से उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है और बीच में पप्पू यादव जो है उन्होंने आरजेडी छोड़ अपनी पार्टी का गठन कर लिया जिसका नाम जाप है और जाप संरक्षक पप्पू यादव भी आज दावते इफ्तार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने उनको भी न्योता भेजा था और उन्होंने वो आज यहाँ पर आए। तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत भी किया और जब पप्पू यादव यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मुलाकात की तेजस्वी यादव से और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत उन्होंने किया है तो उन्होंने कहा कि जो भारत है वो नफरत के खिलाफ है, लोकतंत्र बचाने की बात है। ये बात इतनी बात जो है पप्पू यादव ने कही है। हालांकि बिहार में लगातार जो है वो दावते इफ्तार के बहाने सियासी जो चाल है वो चलने की कोशिश की जाती रही है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो दावते इफ्तार में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे और उसके बाद से ही चर्चाएं तेज़ हो गई थी कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता में से बाहर होंगे, एनडीए छोड़ आरजेडी का दामन थामेंगे। उस वक्त से ही ये चर्चाएं शुरू हुई थी इफ्तार दावते इफ्तार से ही और आज फिर से एक बार पप्पू यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरी जो विपक्ष है उसको एकजुट करने की बात की जा रही है। चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुँचे और तमाम नेता एक दूसरे से मुलाकात की है। वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन पहले तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से पप्पू यादव का स्वागत तेजस्वी यादव ने किया है। और जब जाप संरक्षक पप्पू यादव यहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद तेजस्वी यादव वहां मौजूद रहे। और अब जब बिहार में दावते इफ्तार का सिलसिला शुरू है और ऐसे में पप्पू यादव भी अब एक बार दोबारा से 10 सर्कुलर के दरवाजे पर पहुंच गए और बातें की राबड़ी देवी से, नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया है। जरा सुनिए ये पूरा बयान। डर भय का वातावरण खत्म हो जाए और ये जो नफरत हो गया, रमजान को भी सालों बाद क्यों कहते हैं, रमजान है क्या है, अब ये उनसे पूछे। भैया 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 भैया, यह देश नफरत के खिलाफ है, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने के पक्ष में।